रोहित देखा मेरा जादू काम कर गया। जादूगर अंकल जादूगर अंकल चलेगा ही लगता है। छोड़ो जाने दो उनसे, वैसे भी मुझे अब क्या मतलब। अरे मोंटू बॉस उनसे मतलब नहीं पर मुझसे तो मतलब है। हा? अगर मैं चला गया ना तो आपकी बेइज्जती कौन करेगा? मेरे कहने का मतलब है आपका मार कौन खाएगा? मोंटू बॉस जादू टेस्ट करने के लिए आपने तो मेरी वाट लगा दी फ्री में। ए चिरकुट रो मत, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अभी पिज्जा बर्गर मंगाता हूँ, वो भी मेरे जादू से, तेरे भी मजे मेरे भी। मोंटू बॉस अब आप मेरी कितनी भी वाट लगा लो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू मोंटू बॉस, थैंक यू। मोंटू बॉस मोटा भाई वैसे तो मनीचे तो हनीचे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना अगर इंसान का नसीब खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। क्या मतलब? मतलब बाबूजी आप चाहे जितने हेलमेट्स पहन लीजिए, आप अपने आप को पूरी तरह से ढक लीजिए, लेकिन अगर आपके नसीब में कुछ होना लिखा होगा तो वो होकर ही रहेगा। क्या हुआ महेश, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे वो जूतों की वजह से ऑफिस नहीं जा पाया, अब आज की मेरी तनख्वाह कट जाएगी। और वो तेल गिरा था ना वहां पे, उसमें वो तीन चार बार फिसल फिसल के बदन अभी भी टूट रहा है। मेरा तो नसीब ही खराब है। मोटे भाई आप भी ऊंट पे बैठे हुए थे और आपको भी कुत्ते ने काट लिया? अरे उसके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहा है, वो तो बच्चा है, वो तो कुछ भी बोलेगा। और बात रही नसीब की, तो इंसान का नसीब कभी भी बदल सकता है। अब इसी आदमी को देखो, ये आदमी है, इसे 2,00,000 रुपए की लॉटरी लगी है और नंबर भी बढ़िया है, C1001। क्या बात है बाबू जी, वापस बोलिए। क्या बात है? नहीं नहीं वो नहीं, नंबर नंबर वापस बोलिए। नंबर C1001। एक मिनट ना, एक मिनट बाबू जी। हाँ पढ़िए पढ़िए, नंबर पढ़िए। C1 हाँ 00 हाँ 1 बाबू जी वो नसीब वाला इंसान और कोई नहीं, आपका बड़ा बेटा महेश अमृतलाल टगली है। देखिए बाबूजी, बाबूजी लॉटरी मुझे लगी है। परियों, रानी परी ने हमें यहाँ कौन सी जरूरी सूचना देने के लिए बुलाया है? वो तो हमें रानी परी के आने के बाद ही पता चल सकता है। बालवीर देखिए ना डूबा डुबाई कितने उदास है। डूबा डुबाई तुमने जादूगर जिम्बोला की पुस्तक जानबूझकर तो नहीं घुमाई है ना? ये तो एक हादसा था, जो होना था वो हो गया। बालवीर डूबा डूबा एक को किसी और तरीके से मनाना होगा। डूबा डुबाओ ये पत्र हमें पृथ्वी लोक से एक बच्चे ने भेजा है। देखो कितना खूबसूरत है ना ये पत्र। देखो अब डुबा डुबा एक कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो फिर ये पत्र कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा,
मैं रुको चलो उधर चलो। पड़ेगा नहीं कोई इस पत्र को अलावा डुबा डुबा एक के। हाँ हाँ ठीक है डुबा डुबा एक आप ही पढ़िए इस पत्र को। अरे वाह है बहुत ही प्यारा पत्र। और है आया ये पत्र अंकुश ज्ञानदेव फालके जलगांव जिला बुल्ढाना से। और है लिखा इस पत्र में ऐसा, हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला था, मैं मेले में गया था, वहां मुझे दो छोटे छोटे बच्चे मिले, वो खो गए थे। उनके माता पिता को ढूंढने में मैंने उनकी मदद की, उनके माता पिता के मिलने के बाद वो बहुत खुश हो गए। वाह मित्र है कि अंकुश ने वाकई में बहुत अच्छा काम ना। हाँ डुबा डुबा एक खुश रहो रानी परी खुश रहो। खुश रहो बालवीर खुश रहो। खुश रहो परियों खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा खुश रहो। परियों ये देखिए आविष्कार परी ने हमें ये खोजबीन यंत्र दिया है। ये खोजबीन यंत्र जिम्बोला को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। जैसे ही जिम्बोला इस यंत्र के आसपास आएगा इस यंत्र की लाल बत्ती हरी हो जाएगी। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। परियों बालवीर आप इस यंत्र को अपने पास रख लीजिए। बालवीर परियों जिम्बोला के विरुद्ध हमारे इस लड़ाई में ये यंत्र हमारे बहुत काम आ सकता है। अब हमें किसी भी हाल में जिम्बोला की शक्तियों को 10 गुना बढ़ने से रोकना होगा। का चोला ये आया जिम्बोला। अब मेरी शक्तियां 10 गुना और बढ़ गई है। अब आ गया है कि मैं अपनी शक्तियों का परीक्षण करके देखूं। मेरी कहानी का 3rd अध्याय भी पूरा हुआ। अब 4th अध्याय के लिए एक सच्चे और अच्छे बच्चे की जरूरत पड़ेगी। कहाँ मिलेगा एक सच्चा अच्छा बच्चा? कहाँ मिलेगा? बच्चों, हनी मैडम ने आप लोगों के लिए खाना भेजा है। थैंक यू। वाओ, एप्पल और ऑरेंज, केले,
इतनी सारी चीजें, आज के खाने में बहुत मजा आएगा। मुंटू बस वो देखो इतने मजे से खा रहा है। बॉस मुझे भी ये सब खिला वरना वरना इनका मजा खराब करो। हाँ रोहित अब बस तू देख मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी इन पिट्टियों का कैसे मजा खराब कर रहा है। सैंडविच अपने आप पहले जैसे कैसे हो गया? अभी अभी तो मैंने एक बाइट लिया था। मानव वो सॉस देना प्लीज। अरे अभी मैं एक काम करता हूँ, ये लॉटरी भगवान के मंदिर में रख देता हूँ। ऐसे कैसे गिर गए मंदिर में? अरे लॉटरी कहाँ गई? लॉटरी लॉटरी कहाँ गई? मिल गई, अभी लेके आ। मेरे 40 करोड़ के बंगले में पैरेट? सुन बेटा। हाँ बाबूजी बोलिए। अरे तुझसे नहीं कह रहा हूँ, छोटे से कह रहा हूँ। अरे बेटा ये कागज तेरे कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगर ये कागज फट गया तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। दे दे दे, ला ला। टिकट टिकट बराबर सही सलामत है? हाँ, शुक्र है भगवान का, लाख लाख शुक्र है कि टिकट बराबर है। हाँ महेश, ये सिर्फ लॉटरी का टिकट नहीं, हमारे सपने पूरे करने का टिकट है। चलो भाई, अंत भला तो सब कुछ भला। वैसे ये 2 लाख मेरे लिए 2 रुपए जैसे हैं, लेकिन आप सबकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। और एक बात बताओ, ये 2 लाख रुपए का करोगे क्या? वही जो सब चाहते हैं। क्या? हमारे घर का रेनोवेशन। ये एप्पल कैसे उड़ा? रोहित और तमाशा देखिएगा।
लगता है ये सब सिम्बोला का काम है। जरूर वो कहीं आसपास है। अभी खोजबीन यंत्र से उसका पता लगाता हूं। अरे इसमें से तो लाल रोशनी निकल रही है। यानी सिम्बोला आसपास नहीं है। अगर जादूगर सिम्बोला यहाँ आसपास नहीं है तो फिर ये जादू कर कौन रहा है? को क्या हो गया मुंडूस? क्या हुआ? अरे आप खुद ही देख लो। महेश, ये है मिस्टर सुरेश कुमार, इस एरिया के बेस्ट इंटीरियर डेकोरेटर। मेरा ये 40 करोड़ का बंगला भी इन्होंने ही डिजाइन किया है। हेलो बोलो। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। आज नगद कल उधार और उधार वाले को मारो चार। आपने अपने घर पे जो बदलाव कराना है उसकी लिस्ट मुझे मिल गई है। हाँ? ये देखिए, ये रही लिस्ट। आप निश्चिंत रहिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। तो निकालिए एडवांस के 10 लाख रुपए, क्योंकि आज नगद कल उधार, उधार वाले को मारो चार। एक मिनट, 10 लाख रुपया एडवांस, तो आपका कोटेशन कितना है? देखो जी, हम टोटल अमाउंट का 10% एडवांस में लेते हैं। अब आप ही लगा लीजिए टोटल अमाउंट कितना हुआ, क्योंकि आज नगद कल उधार और उधार वाले को मारो चार। 1 करोड़। बस हाँ। हिसाब किताब में अच्छा है आप सब लोग, वैसे मेरा भी अच्छा है। बेटा तुम जितना एडवांस मांग रहे हो ना, उसका 20% तो हमारा टोटल बजट है रिनोवेशन का। दो लाख। चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए भी एक स्कीम है मेरे पास। एक मिनट। ये लीजिए, 2 लाख में बस इतना ही होगा। सिर्फ मेन डोर? भाई साहब, आपका ठीक नहीं है व्यवहार, इसलिए आप अभी के अभी हो जाइए बाहर, नहीं तो कहीं आपकी गुना पड़ जाए चार। बॉस, मैं तो कहता हूं अब ये बॉसगिरी से संन्यास ले लो। हाँ। क्या कहा तूने? तेरी जो मेरा घुटना, रोहित घुटने में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहा है, कुछ कर रोहित। बॉस आइडिया, अब अपने ही जादू से अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर लेते? अरे वाह रोहित, पहली बार गधे के दिमाग से कोई अच्छी बात निकली है। मैं अपने ही जादू से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। हाँ, आधे आधे। रोहित, मैं ठीक हो गया? अरे मोंटू बॉस, आप ठीक नहीं हुए बल्कि अब और खराब हो गए। अब तो आपकी सफेद दाढ़ी भी निकल आई है।
ऐसा नहीं हो सकता रोहित, नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता बॉस, अरे हो गया है, आप बूढ़े हो गए हो। बेटा रोहित, अगर आसपास कोई मेडिकल होगा तो जरा मेरे लिए दवाई लाना, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और घुटने में भी बहुत दर्द है बेटा रोहित। मोंटू बॉस, अब आपका इलाज कोई दवाई नहीं करेगी, वो देखो पिद्दी लोग को आप सदा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे पता नहीं हमारे ऊपर ये सब जादू कौन कर रहा था। ठीक है रोहित, ट्राई करते, इन पिद्दियों की वजह से सुबह मेरा पचका हुआ था ना, अब देख लो मैं इनकी गाड़ी का कैसे पचका करता हूं। ये कैसे हो गया? अरे पर ये क्या हो गया? अरे मेरी गाड़ी, हाथ गाड़ी कैसे बन गई? अरे बच्चों, ये सब क्या हो रहा है? हमारी गाड़ी हाथ गाड़ी कैसे बन गई? ये सब कौन कर रहा है? ये तो किसी खतरनाक जादूगर का काम लगता है। अब शायद बालवीर हमें बचा सकता है। क्या हुआ रोहित? बॉस, आप तो और बुड्ढे हो गए। क्या हुआ रानी परी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बालवीर, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या हुआ है रानी परी? बालवीर जिम्बोला मिल गया है, बाल परी ने उसे ढूंढ निकाला है। ना ही सिर्फ ढूंढ निकाला है बल्कि उस जिम्बोला को कैद भी कर दिया है। हाँ बालवीर, वो देखिए। कौन हो तुम जो मुझे मेरी कहानी को पूरा करने से रोक रही हो? बाल परी हूँ मैं, सच्चाई और अच्छाई की रक्षक बाल परी। बाल परी ने तो कमाल ही कर दिया, इतने जल्दी जिम्बोला को ढूंढ भी लिया और कैद भी कर दिया। रानी परी, मानो बहन मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं, लगता है वो किसी मुसीबत में है, मुझे उनके पास जाना होगा। ठीक है बालवीर, आप तुरंत जाइए। क्या हुआ बच्चों, क्यों बुलाया मुझे? बालवीर देखो ना, हमारी गाड़ी को क्या हो गया? अब ठीक है बच्चों, तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। ये सब कर कौन रहा है? क्योंकि जिम्बोला तो माँ के कब्जे में। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर। बच्चों अब तुम सब सुरक्षित अपने घर जा सकते हो। अब चलो, अब उधर जाके बैठो। मोंटू, ये क्या हो गया तुम्हें? मोंटू, तुम्हारा ये हाल किसने किया? अरे बालवीर जी, वो क्या हुआ कि मुझे बोला नाम का जादूगर मिला। तुम्हें हमारी कहानी नहीं पता, लेकिन हम तुम्हारी पूरी कहानी जानते हैं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मोंटू, तुम सच तो कह रहे हो ना? झूठ क्यों बोले बालवीर जी, दो दिन की जिंदगी तो बाकी है, झूठ बोल के पाप की उलू है ना रोहित? सत्य वचन मोंटू महाराज, सत्य वचन। सिमोला ने मोंटू को अपना जादू तो दे दिया, लेकिन उसका बचपन खत्म करके उसे बूढ़ा बना दिया और खुद 10 गुना शक्तिशाली हो गया। इसका मतलब
सिम्बोला के सामने माँ कमजोर पड़ जाएगी और उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। नहीं, मुझे जल्द से जल्द माँ को बचाना होगा। बहन के बुराई का चोला आ गया जादूगर सिम्बोला। बात परी, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अब जादूगर सिम्बोला चलेगा ऐसी चाल कि कट जाएंगे तुम्हारे ये बाल। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कहानी का तीसरा अध्याय पूरा करने के बाद मैं 10 गुना और शक्तिशाली हो गया हूँ। और कहानी का चौथा अध्याय खत्म करने के लिए जो सच्चे और अच्छे बच्चे चाहिए वो तो मुझे पहले ही मिल गए हैं। बालवीर, माँ उठिए, बहन की बुराई का चोला आ गया सिम्बोला। ये गुलशन है, इन दोनों सच्चे अच्छे बच्चों में से किस सच्चे अच्छे बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊं? हाइला हाइला हक्का बक्का होला होला हचा हचा जाएगा मेरे साथ ये बच्चा। चलो चलो, ये तय रहा कि अब इन दोनों सच्चे अच्छे बच्चे में से ये मानव ही बनेगा मेरे अमर बनने की मंजिल का रास्ता। मेहर, तू जा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। बहन के बुराई का चोला ये चला सिम्बोला। ये महेश अभी तक आए क्यों नहीं? अब तक तो उन्हें लॉटरी ऑफिस से पैसे लेकर आ जाना चाहिए था। रॉकी बेटा, ध्यान से पानी पी, पानी के बूंदे मेरे ऊपर गिर गई है। ध्यान से पानी? बाबूजी, मैं तो ग्लास से पानी पी रहा हूँ। तू रहने दे। वापिस तो दूसरा ग्लास लेके आया। अरे हंसा, मतलब हनी, ये तेरी छत टपक रही है। नहीं नहीं मोटा भाई, मैंने अपने 40 करोड़ के बंगले में 5 लाख का एसी लगाया है, सेंट्रल एयर कंडीशन, वहीं से टपक रहा है पानी। लगता है महेश आ गए। आ गए महेश।
क्या हाल बना रखा है? सेफ्टी। हाँ? सेफ्टी स्मिता, बाबूजी सेफ्टी। मेरा हुलिया देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि मेरे पास 2,00,000 रुपए होंगे। लगा लूट गए। लूट नहीं गया हूँ स्मिता, लूटने से बचने के लिए ये हुलिया लिया है। बापूजी स्मिता, चोर उचक के गुंडों से बचने के लिए, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए मैंने ये हुलिया लिया है। और आगे की स्टोरी सुनिए बापूजी। भाई तेरी स्टोरी तू बाद में बताना, पहले 2,00,000 रुपए दिखने दे। दो लाख की जगह पर पत्थर। आप हंस रहे हैं? असली माल तो यहाँ है। अरे स्मिता स्मिता स्मिता, इन सबको क्या हुआ? अरे 10,000 का डॉक्टर बुलवाओ। नहीं नहीं बुआ बुआ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है, आप फिकर मत कीजिए, थोड़ी देर में ये लोग होश में आ जाएंगे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि लॉटरी के ऑफिस में पैसों को देख के मेरा भी यही हाल हुआ था। ए जादुई काली, ले चल, ले चल हमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, ले चल। जिम्बोला, हम तुम्हें अपने बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मेरी शक्तियां 10 गुना और बढ़ गई है। तुम तीनों की शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुम तीनों ने तो अपनी शक्ति दिखा दी, अब तुम तीनों को मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा। हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने तुम तीनों पर ऐसी जादू शक्ति चलाई है कि अगर तुम तीनों ने मुझ पर कोई भी वार करने की कोशिश की तो वो वार उल्टा तुम तीनों को ही नुकसान पहुंचाएगा। बहन के बुराई का चोला ये चला इस बच्चे को लेकर, जादूगर जिम्बोला चल खाली। परियो, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, हम इसे नहीं जाने दे सकते। Ah!
माँ आंखें खोलिए, माँ उठिए, माँ माँ अपनी आंखें खोलिए। बालवीर जिम्बोला 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया, जिसकी वजह से उसका वार भी 10 गुना ज्यादा शक्ति से भरा था। उस वार से बालपरी को गहरा आघात पहुंचा। अब ये तभी होश में आएंगे जब जब जिम्बोला का जादू उल्टा पड़ेगा, और बालवीर जिम्बोला का जादू तब उल्टा पड़ेगा जब वो एक बार फिर से अपनी पुस्तक में कैद हो जाएगा। तो ठीक है रानी परी, अब जिम्बोला अपनी पुस्तक में वापस कैद जरूर होगा। मैं उसे कैद करूंगा, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बालवीर, उसे कैद करने से पहले उसका मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पुस्तक भी उसी के पास ही होगी। हाँ बालवीर, बालवीर जिम्बोला हमारी आंखों के सामने से मानव को उठा के ले गया, और हम ये भी नहीं जानते कि वो मानव को लेके कहाँ गया है। चिंता मत कीजिए परी, मैं मानव तक जरूर पहुंचूंगा। लेकिन बालवीर, यदि आप जिम्बोला तक पहुंच भी गए तो आप उसे हराएंगे कैसे? उसे मैं नहीं हराऊंगा विस्तार परी, उसे उसका लालच हराएगा। मैं तो बस भटकाती परी की मदद से उसे लालच दूंगा। अब तो केवल मुझे इंतजार है तो मानव के बुलाने का। मोंटू बॉस, आपको याद है ना कि बालवीर जी ने क्या कहा था, आपको अपना जादू यूज नहीं करना है, अगर आप अपना जादू यूज करोगे तो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। मुझे ठीक से याद है कि मुझे अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करना है। वेरी गुड मोंटू बॉस, तो चलो इसी खुशी में मुझे किसी महंगे से रेस्टोरेंट में पिज्जा बर्गर खिलाओ। क्यों, मुझे कोई लॉटरी लगी है या कोई खजाना मिला है कि मैं तो जैसे बुक्कर पे मेरे पैसे वेस्ट करो? अरे मोंटू बॉस, क्यों जिंदगी के आखिरी दिनों में कंजूसी कर रहे हो? मोंटू बॉस, वैसे भी जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। क्या बोला? जो बोला सही बोला। अरे मोंटू बॉस, लुटा दो अपने पैसे मुझ पे पिज्जा बर्गर खिला के। नहीं तो मोंटू बॉस, मैं आपका एक थप्पड़ मारूंगा और भाग जाऊंगा। वैसे भी आप बुड्ढे हो, मुझे पकड़ नहीं पाओगे। थप्पड़ मारोगे ना? लो मारो, मार 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 मार, थप्पड़ मार। चलो ना, बुढ़े आदमी पे क्या हाथ उठाना। मार मार थप्पड़ मार 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 मार। अरे मोंटू बॉस, क्या किया आपने? आपने अपना जादू क्यों यूज किया? अरे बॉस सॉरी, मैं तो मस्ती कर रहा था, सॉरी। मोंटू बॉस, थप्पड़ मैंने गए, रो आप क्यों रहे हो? अरे बेवकूफ, मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। देखा मोंटू बॉस, कहा था ना बालवीर जी ने कि जादू यूज मत करना, और करो जादू। राइट, अभी मैं क्या करूँ, क्या करूँ? करना क्या, अब तो आपको चश्मा ही मंगवाना पड़ेगा। चश्मा? वो भी जादू से। तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस यहाँ अपने खास मकसद से आया हूँ। कौन सा मकसद? आओ दिखाता हूँ। यही तो है मेरा मकसद, तुम्हें इस खाई में फेंकने के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मैं ऐसा ही करूँगा। बालवीर!
कौन हो तुम? मैं हूं इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, जादूगर बड़बोला। कहीं ये बालवीर तो नहीं? ए, क्या बोला? बड़बोला? सिर्फ बड़े बड़े बोल ही बोलते हो या बड़ी बड़ी जादुएं दिखाना भी जानते हो? चलो मान लिया, कुछ पल के लिए मान लिया कि तुम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हो, लेकिन अब से कुछ ही पल के बाद ये जादूगर जिम्बोला दुनिया का सबसे महान जादूगर बन जाएगा, क्योंकि इस बच्चे को खाई में धकेलने के बाद जादूगर जिम्बोला अमर हो जाएगा, जादूगर जिम्बोला अमर हो जाएगा। ए चल, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे का सहारा लेकर अपने आप को इस दुनिया का बड़ा जादूगर कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर दम है तो अपने जादू के बल पे कुछ करके दिखाओ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जादूगर जिम्बोला तुम्हें अभी अपनी जादुई शक्ति दिखाएगा। पहन के बुराई का चोला, आ गया जादूगर जिम्बोला। देखा, मैं अपनी जादुई ताकत से बड़े बड़े पहाड़ हिला सकता हूँ। बस अब भटकाती परी की मदद से मैं ऐसा भटकाने वाला दृश्य दिखाऊंगा कि इसे लगेगा कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। अब देखो मेरा कमाल। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी और देखो मेरे जादू का कमाल। मैं मानता हूँ आप सबसे महान जादूगर हैं। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। हम मानते हैं कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, पर तुम बहुत कुछ बन सकते थे अगर तुम भी हमारी तरह किसी किताब से निकल कर आए होते और उस किताब की कहानी के मुख्य पात्र तुम होते। लेकिन अरे वाह, फिर तो ये बहुत ही खुशी की बात है जादूगर बड़बोला जी। शायद आप जानती नहीं, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह एक किताब से बाहर निकला हूँ और उस किताब की कहानी का मुख्य पात्र भी मैं ही हूँ। अच्छा, तो कहाँ है वो किताब? क्योंकि जब तक उस किताब को हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते हमें विश्वास नहीं होगा। अभी दिखाता हूँ वो किताब जादूगर बड़बोला।
वो किताब जादूगर जिम्बोला। अब तो मैंने आपको किताब भी दे दी, अब तो आपको यकीन हो गया ना। अब मुझे जल्दी से जल्दी बिल्कुल आप ही की तरह महान जादूगर बना दीजिए, फिर मैं अमर बन जाऊंगा। जरूर जरूर। अंसा, हनी, मैं तुम्हारी ये सेंट्रल एसी के बारिश में अब ज्यादा नहीं बैठ सकता। एक के बाद एक बूंदे टपक ही रही है। अरे उठिए मत, उठिए मत। शुभ काम होने जा रहा है मोटा भाई, उस वक्त जगह चेंज नहीं करते वरना सब कुछ अशुभ हो जाएगा, ऐसा भाभी कहती हैं। सब माया है, ये घर गाड़ी बंगला फर्नीचर सब माया है। इनफैक्ट मैं खुद भी माया हूँ, द फेमस इंटीरियर डिजाइनर फ्रॉम घाटकोपर, माया सहगल। माया जी, ये बताइए आप माया कितनी लेंगी? मतलब पैसे, पैसे कितने लेंगे? माया तो माया के बगैर काम करती ही नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि माया का एक उसूल है कि वो कभी इंटीरियर डेकोरेशन की फीस अपने मुंह से नहीं बताती, अब लिखकर बताती है। क्योंकि माया हमेशा ये समझती है कि ये धन दौलत मनी सब माया है। एब्सोल्युटली राइट। कमाल है। नहीं माया है, मतलब है एक जगह माया जी कह रही है कि बिना माया के काम नहीं करती और दूसरी जगह सब कह रही है माया ही माया है। पूरा कंसेशन देने के बाद भी 20 लाख का बजट हो रहा है, 20 लाख से एक रुपए भी कम ही लूंगी, पर एट द एंड ऑफ द डे सब माया है। ये लीजिए आपका कोटेशन। ओहो, इस पर भी पानी गिर गया। दो लाख में हमारे घर का रिनोवेशन हो जाएगा। महेश, भगवान ने हमारी सुन ली, 2 लाख में सारा काम हो जाएगा। दंड दंड, बाबूजी को बोल दो। बाबूजी। माया जी, ये सौदा पक्का है, हमें आपकी बताई हुई रकम मंजूर है। ठीक है, तो मैं 15 दिन में आप लोगों का पूरा घर रेनोवेट करा दूंगी। हाँ, ध्यान रखिए, घर गलियां चौबारा सब कुछ माया है। बस जिम्बोला, बहुत खेल लिया तुमने अपने बुराई का खेल, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। बालवीर, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बालवीर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिम्बोला, क्योंकि अब इस किताब में से मैं वो मंत्र पढ़ूंगा जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए इस किताब में वापस कैद हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कहानी के अंत में लिखा है जादूगर जिम्बोला अमर हो जाएगा और अब वैसा ही होगा, क्योंकि जब तक तुम मुझे कैद करने का मंत्र पढ़ोगे, मैं इस बच्चे को इस खाई से नीचे ढकेल कर अमर हो जाऊंगा। जादूगर जिम्बोला अमर हो जाएगा, अब ऐसा ही होगा।
इससे सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम जल्दी से भागो, इसे तो हम संभाल लेंगे। किताब के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा है, तुम्हें वो मंत्र पढ़ना है, तभी ये जिम्बोला हमेशा हमेशा के लिए इस किताब में वापस कैद हो जाएगा। जाओ जल्दी। बाली, मुझे मंत्र तो मिल गया, पर पता नहीं ये कौन सी भाषा में लिखा है, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। कोशिश करो माना, तुम उसे जरूर पढ़ पाओगे। माना जल्दी पढ़ो उसे। रोहित, मैंने जादू से चश्मे मंगाए तो मेरे घुटने खराब हो गए। तुम्हारे पहचान में कोई डॉक्टर है जो मेरा इलाज कर सके? मंटू बॉस, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जादू मत करना, आप शायद बच सकते हो। सही कहा तुमने रोहित, अब कुछ भी हो जाए मैं जादू नहीं यूज करूंगा, नहीं करूंगा। वेरी गुड। चाचा हट जाओ, हट जाओ चाचा। अरे बॉस भागो, संभालो चाचा। अरे ऑटो, दिखने में 60 साल के बुड्ढे और ताकत 16 साल के बच्चे जैसी, और ड्रेस स्कूल के बच्चों जैसी पहन के रखी है। क्या बात है चाचा जी, क्या बात। मान गए चाचा, मान गए। इसी खुशी में मैं आपको अपना एक एप्पल खिलाता हूँ, लीजिए चाचा। चल बसंती चल।
मोंटू बॉस आपको कितनी बार कहे कि जादू यूज मत करना मत करना, फिर भी क्यों किया? अगर मैं जादू का इस्तेमाल नहीं करता तो आज गाड़ी मुझे ठोक देती। पर तुम वो सब छोड़ो, ये देखो मेरे ऊपर जादू का कोई असर ही नहीं हुआ, मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ। हाँ मोंटू बॉस, लगता है उस जादू का उल्टा असर आप पे नहीं हो रहा है। हाय मेरे दांत टूट गए। अरे छोड़ो मुझे, अब तो छोड़ने ही वाला हूँ। बालवीर बचाओ। चल। अरे बचाओ मुझे। बालवीर बचाओ। मैं मानो को कुछ नहीं होने दे सकता। बालवीर बचाओ मुझे। मुझे मानो को बचाना होगा। किताब किताब उस किताब में से मुझे आखिरी मंत्र जल्द से जल्द पढ़ना होगा। चली मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है? समझ नहीं आ रहा है क्या मंत्र है ये अक्षर तो उल्टे लिखे हुए हैं। यानी मैं इन्हें शीशे में देखूंगा तो मुझे ये सीधे दिखाई देंगे। शीशा, इन्हें यहाँ शीशा कहाँ मिलेगा? बालवीर, बचाओ मुझे! माना, क्या करूँ? शीशा भर जाता है बुराई का झोला, तब उतर जाता है बुराई का चोला। अरे छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ दो। पर कैद हो जाता है जादूगर जिम्बोला। ये हो गया ये मंत्र पूरा, अब जिम्बोला होगा कैद और उसका बुरा सपना रह जाएगा अधूरा। बेटा रोहित, थोड़ा पानी और पिला दो। चुप रे, इस उम्र में इतना ज्यादा पानी नहीं पीने का रहता है। अच्छा चलो चलो, एक घूट पी लो। अबे बेवकूफ! मोंटू बॉस, आप ना मुट्ठे से वापस हाथी बन गए। अब मेरे कहने का मतलब है आप मुट्ठे से वापस मोंटू बॉस बन गए। अरे हाँ, अरे हाँ, मैं मोंटू बन गया। अरे तो अरे मैं चल बताऊँ, मैं बताऊँ, अरे तूने बताऊँ, ये पानी दी, पानी दी, थैंक्यू, ये मैं चल बताऊँ, रानी परी, बाल परी को होश आ गया। बाल परी, आप ठीक तो है ना बाल परी? हाँ
बालवीर का जादुई डंड। बालवीर, बालवीर आप ठीक तो हैं? हाँ भटकाती परी, मैं ठीक हूँ। जिम्बोला अपनी बुराई की कहानी को सच मान के बैठा था, लेकिन उसे नहीं पता कि सच्चाई और अच्छाई के सामने बुराई की कोई भी कहानी पूरी नहीं हो सकती। संभल के बालवीर। बालवीर तुम ठीक तो हो ना? ये लो तुम्हारा जादुई डंड। शुक्रिया मां। बालवीर, भटकाती परी, मुझे माफ करना माना, भटकारी परी ने तुम पर जादू किया है। अब कुछ पल बाद तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। बालवीर, ये सब हम बच्चों की भलाई के लिए ही तो करते हैं, ताकि इनके मन में बुरे लोग और उनकी बुरी यादें कभी भी ना रहे। जी भटकाती परी, भटकाती परी, अब आप जल्द से जल्द ये किताब लेकर परी लोग जाइए, और मैं मानो को लेकर उसके घर पृथ्वी लोग जाता हूँ। चलो मानो। अरे जी बैठो बैठो। अरे कोई 20,000 वाले बटलर को भेजो। मानव, मानव बेटा तू आ गया, कितनी देर लगा दी आने में, कहाँ रह गया था? अरे बता ना कहाँ रह गया था? हाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ मैं तो मेहर के साथ था ना। हाँ 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 मानो तुम मेहर के साथ ही थे, लेकिन फिर तुझे याद आया कि हमें नई नोटबुक लेने जाना है, तो तू मेरे साथ नई नोटबुक लेने के लिए चला गया। ये देख। हाँ? उसे कैसे? मैं मेहर के साथ था और फिर बल्लू के साथ वापस आया। मेहर देखना ही कितना उदास हो गया, इसको थोड़ा खुश करना। हाँ अभी करती हूँ। हाँ। बल्लू सुन। मानव अपने उदास चेहरे पे खुशी ला, क्योंकि अब हम अपने पुराने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। पुराने नए घर में मतलब? मतलब हमारा जो पुराना घर था ना, वो रेनोवेट हो रहा है और हम 15 दिनों में वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। चलो खुश हो जा वरना पीट दूंगी। आइए, आपकी ये न्यूली रेनोवेटेड हाउस में आपका स्वागत है। नए लुक में काफी अच्छे लग रहे हैं, वेरी स्मार्ट। माया दीदी, ये नया लुक हमें दादी बुआ ने दिया है। हाँ, और उनका कहना है आप सब नए घर में जा रहे हो तो नया लुक भी तो होना चाहिए। हाँ। क्योंकि मम्मी है वो मम्मी है।
मानव बल्लू हमने तो अपना रूम देखा ही नहीं। चलो चलो। वाह माया जी वाह, आपने तो पूरे घर की काया ही पलट दी। बहुत सुंदर घर बनाया है, वो भी इतने कम पैसों में। थैंक यू सो मच। सच कहते हो वो। ए माया बेटा, वैसे तो ये सब माया है, पर जीवन में से माया निकल जाए तो सब दुखों की साया है। बढ़िया काम किया है। अब जैसे तय हुआ था, आपकी फीस आप ले लीजिए, पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख नहीं ग्रैंडपा, 2 लाख नहीं, 20 लाख। 20 लाख की बात करती हमारी। 20 लाख? हाँ? 20 लाख? नहीं माया बेटा, हमारी तो 2 लाख की बात हुई थी और तुमने बिल पे भी 2 लाख रुपए ही लिखे। हाँ। ये देखो बिल ला। ये देखिए आपका लिखा हुआ बिल है, ये देखिए। ग्रैंडपा, मैंने बिल पे भी 20 लाख ही लिखा था, पता नहीं ये 2 लाख कैसे हो गया। लगता है किसी ने लास्ट वाला 0 मिटा दिया है। हाँ देखिए देखिए, पानी डालकर शायद किसी ने लास्ट वाला 0 मिटा दिया। अरे इसमें पानी कैसे आ सकता है? ओ, इस पर भी पानी गिर गया। 2 लाख? 2 लाख में हमारे घर का रिनोवेशन हो जाएगा। याद आ गया, हंसा के घर पे वो हनी के घर पे एसी में से पानी टपक रहा था, उसकी बूंदे इसके ऊपर गिरी होगी और 1-0 मिट गया होगा, इसीलिए 20 लाख के 2 लाख हो गए। ग्रैंडपा, मुझे ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। माया ने ये बिल बड़े दिल से बनाया, ये मनी तो आपको लुटाना ही पड़ेगा, बाकी सब तो माया है, ये बिल ये मनी। नहीं माया जी, लेकिन 18 लाख रुपया, इतनी बड़ी रकम हम लाएंगे कहाँ से? कहीं से भी लाइए, who cares? बाकी सब तो माया है। देखो माया बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब तुम ही बताओ कि ये पैसे हम कैसे चुकाएं? Okay, if you insist, I have a solution. हाँ, है। अगर आप सब लोग चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके मुझे ये पैसा वापस लौटा सकते हैं। I have no issues. Like an EMI? मतलब EMI? बेटा EMI नहीं, EMI। पता है बापूजी, लेकिन 18 लाख का कर्जा कैसे उतारेंगे? और कोई चारा भी नहीं, चारा ही खाना पड़ेगा। देखिए माया जी, मैं अपने पगार में से हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लौटाते रहूंगा। ये डील माया को मंजूर है, आखिर सब माया है। ये 2 लाख रखिए, देखिए। थैंक यू। तो आप सभी लोगों को अपना नया घर मुबारक हो, मैं चलती हूँ। बाय बाय। महेश, इतना क्या सोच रहा है? कर्जा चढ़ गया लेकिन घर की काया तो पलट गई ना। बापूजी मैं ये सोच रहा हूँ कि माया पलट गई तो हमारा क्या होगा। अरे वो सब बाद में सोचना, पहले मेरा मुंह मीठा करा जल्दी से। जल्दी से? बाबूजी बाबूजी, मुंह मीठा जल्दी से नहीं होता है, मिठाई से होता है, मिठाई से। महेश रॉकी। जोकिंग जोकिंग। बिल्कुल ट्री जैसा, और ये
सॉफ्ट आइज भी कितने क्यूट है। मैं बल्लू देखो हमारा रूम कितना मस्त बन गया है, अब तो मेरा यहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, हाँ, कितने अच्छे से सजाया है इस रूम को। हाँ।